बहुत से लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन शायद ही किसी को सूर्य अर्घ का साइंटिफिक करेक्शन पता होगा। लेकिन आज पंडित जी आपको सूर्य को अर्घ देने का वैज्ञानिक पहलू समझाने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। पंडित जी, ये वो बातें हैं जो हम डेली करते हैं, आप डेली समझाते हैं कि हमारी दिनचर्या में तुलसी का पूजन, सूर्य को अर्घ देना, जल चढ़ाना शामिल होना चाहिए। तो आपने कई बार सूर्य को अर्घ देने का, जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व समझाया, लेकिन वैज्ञानिक पहलू आपसे आज समझना चाहेंगे। देखो विपिनेश, ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में हर वो कार्य कहा गया है जो मनुष्य के तन और मन दोनों को निर्मल और स्वस्थ बनाता है। तन और मन, कभी कभी ऐसा होता है कि तन किसी का बड़ा स्वस्थ है लेकिन मन उद्विग्न है जी। अगर मन उद्विग्न है तो तन की स्वस्थता काम नहीं देगी, और अगर तन अस्वस्थ है, मन ठीक भी है, तब भी मतलब कि आप किसी कार्य कारण को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए तन मन दोनों का ठीक रहना आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है जिंदगी की। हाँ, एक ग्रह सूर्य ऐसा है जिसके प्रभाव से तन और मन दोनों ठीक होता है। जैसे सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ देने का नियम है, हर सनातनी के लिए एक नियम है कि जब आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को 3 बार में जल दें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, 3 बार में जल को बारी बारी से सूर्य को देखते हुए गिराएं। अब ये मंत्र पढ़ करके आप सूर्य को अर्घ 3 बार में देंगे। अब किसी किसी के दिमाग में ये बात आती है कि मैं सूर्य को अर्घ देता हूँ तो वो जल मेरे पैरों में लग जाता है, बड़ा दोष लगता है, ये जल नालियों में चला जाता है, बड़ा दोष लगता है। मैं कहता हूँ कि आप बताइए, आप सूर्य को जल देते हो कि पृथ्वी को? अगर आप सूर्य को जल देते हो तो आपके लोटे से ज्यों जल अलग होगा त्यों ही सूर्य को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर वो पृथ्वी पर पड़ रहा है तो इसमें आपका क्या दोष है? आप बेवजह शंका की बीमारी से क्यों ग्रसित हो रहे हैं? वो पानी जा रहा है, जहाँ जाना हो जाने दीजिए, क्योंकि वो जल तब तक है जब तक मतलब कि लोटे से निकला नहीं है। लोटे से निकला तो वो सूर्य का अर्घ हो गया, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, क्या मतलब है? तो कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक आधार है कि शरीर को शुद्ध रखने के लिए जितनी हवा की जरूरत है उतना ही प्रकाश की भी। हमारे शरीर में अलग अलग रंगों की विद्युत किरणें होती हैं, जिस रंग की हमारे शरीर में कमी होती है वो सूर्य को जल चढ़ाने से उसकी किरणों के द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। सूर्य की किरणों का प्रभाव जल पर भी बहुत जल्दी पड़ता है। सूर्य की सप्तरंगी माने 7 रंग की किरणों से अद्भुत रोगनाशक गुण मिलते हैं। अच्छा, आप सोचिए क्यों सनातन धर्म में ये कहा गया है कि पूजा ईशान कोण में ही होनी चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं, वायव्य कोण में होनी चाहिए। बताइए क्यों? क्यों ईशान कोण में ही पूजा स्थान रखूँ? क्यों साउथ ईस्ट में ही मैं अपने किचन को रखूँ? मैं पश्चिम में किचन रखूँगा, आप बताओ क्यों रोकोगे? उसका कारण है कि अगर हम उत्तर पूर्व के कोने में पूजा स्थान रखते हैं तो सूर्योदय के समय ही सूर्य की किरणें उस कमरे की खिड़कियों से आकर के और पूजा स्थान में प्रकाशित करने लगती हैं। उससे छोटे छोटे जीवाणु, हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाते हैं और वहाँ हम बैठ करके अच्छे से योग साधना कर पाते हैं। 7 बजे तक ये स्थिति रहती है। 7 बजे के बाद सूर्य जब थोड़ा सा और दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ेगा तो उसकी सारी किरणें किचन में आ जाएंगी। इसके बाद किचन का प्रयोग शुरू हो जाता है, रसोई का प्रयोग शुरू हो जाता है। रसोई की खिड़कियों से जब सूर्य की किरणें आपके रसोई में आएंगी तो वहाँ भी जितने भी जीवाणु हैं और जितने भी नुकसानदायक बैक्टीरिया हैं सब केवल सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए साउथ ईस्ट में किचन के लिए कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए पूजा स्थान कहा गया है।
अब तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप एक बात और सोचिए कि साउथ वेस्ट में घर के मुखिया का कमरा कहा गया है कि साउथ वेस्ट में घर का मुखिया रहना चाहिए, क्यों भाई? हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, लेकिन नहीं, साउथ वेस्ट ही एक ऐसी जगह है जहां सुबह से शाम तक अगर रोशनदान और खिड़कियां हैं तो सुबह से शाम तक उस कमरे में रोशनी रहती है, और रोशनी में अगर मुखिया रहेगा तो उसका मन, उसका चित्त प्रसन्न रहेगा, और मन और चित्त जब प्रसन्न रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन कर पाएगा। ऐसे में जब हम सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर के सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है, ये एक प्रकार से एंटीवायरस का काम करता है। सुबह सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। आज की सबसे बड़ी समस्या है, आधे लोग ये कहते हैं कि मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे हाथों में दर्द होता है, और जब जांच कराते हैं तो विटामिन डी की कमी निकलती है। विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति यदि प्रातः काल सूर्य को अर्घ देता है तो निश्चित रूप से 2-5 मिनट सूर्य के सामने खड़ा होता है तो उसको निश्चित रूप से विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है, और विटामिन डी की जब कमी नहीं होती है तो शरीर में दर्द की बीमारी नहीं होती है। ये तो हो गया तन को स्वस्थ रखने का एक उपाय। इसका एक और उपाय है जो इसको पूर्ण करता है, वो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। बल की बात अगर की जाए तो उसमें मैं प्राणायाम हूँ। प्राणायाम क्या होता है? प्राणों को आयाम देना। ये हमारी जो पंच वायु है ना, तो प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, इस वायु को आयाम देना, स्थिर करना प्राणायाम है। तो अब कहा गया है सनातन धर्म में कि जब आप सूर्य को अर्घ दे दें तो उसके बाद आप अपने उपासना स्थान में बैठकर, पूजा स्थान में बैठकर 5 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम का मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 बार कहने का विधान कहा गया है हमारे शास्त्रों में। एक श्वास में 9 बार, 3 बार इस मंत्र को कहते हुए नाभि पर 6 पंखुड़ियों वाले नीले कमल के फूल पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, और 16 पंखुड़ियों वाले भूरे रंग के कमल के फूल पर हृदय में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। द्विदल कमल, 2 दल वाले कमल की सफ़ेद पंखुड़ी पर भगवान शिव का ध्यान भ्रिकुटी पर करना चाहिए, और 3 बार मंत्र को नाभि पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए, 3 बार हृदय पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए, 3 बार माथे पर ध्यान करके पढ़ना चाहिए। इस तरह से 1 बार की सांस में जो 15 सेकेंड खींचना होता है, श्वास को भरना होता है, जिसको पूरक कहते हैं, और 60 सेकेंड श्वास को रोकना होता है, जिसको कुंभक कहते हैं, और 30 सेकेंड श्वास को छोड़ना होता है, जिसको रेचक कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, ये मतलब कि 1:4:2 का अनुपात है इसका। जैसे अगर आपने 10 ही सेकेंड खींचने की सामर्थ्य है तो 40 सेकेंड रोकिएगा और 20 सेकंड छोड़िएगा। ये प्राणायाम जिसका सिद्ध हो जाता है तो इस प्राणायाम की 4 अवस्थाएं हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। ध्वस्ति अवस्था उसको कहते हैं कि पूरा दुनिया का जितना इंस्ट्रूमेंट है, सीटी स्कैन से लेकर के, और वो मतलब कि एमआरआई से लेकर के, एक्सरे से लेकर के, अल्ट्रासाउंड से लेकर के, सारे यंत्र आपके ऊपर लगा दिए जाएं, लेकिन मेरा दावा है कि अगर आप प्राणायाम नियम से करते हैं तो आपके शरीर में इंच मात्र का भी रोग निकल ही नहीं सकता है। क्योंकि जब प्राणायाम सिद्ध होता है तो उसका पहला गुण ध्वस्ति कार्य रूप में परिणित हो जाता है। ध्वस्ति का मतलब शरीर की सारी बीमारियां ध्वस्त हो गई। तो जो लोग इस प्रकार के प्राणायाम को 5 आवृत्ति सुबह और 5 आवृत्ति सायंकाल, सायंकाल को भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सायंकाल को ढलते हुए सूरज को अर्घ देना चाहिए और 5 बार ये प्राणायाम करना चाहिए,
भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी 84 विभूतियों के अंतर्गत इस बात का वर्णन किया है कि बलों में मैं प्राणायाम हूँ। तो जब आप प्राणायाम करते हैं नीच, आप देखिए ना, छोटी सी भी पूजा अगर कोई करता है उसको प्राणायाम का महत्व नहीं पता है, लेकिन आप देखिए वो नाक पकड़ करके ऐसे बैठता है, ऐसे। नाक पकड़ना क्या है? नाक पकड़ना प्राणायाम की एक क्रिया है। नाक पकड़ने से कोई मंत्र जप नहीं किया जाता है, नाक पकड़ करके कोई मतलब कि आवाहन नहीं किया जाता है। नाक पकड़ने का अर्थ ही है कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, केवल भगवान के मंत्रों का जप करते हुए नाक छू लेते हैं। नहीं, इसका मतलब है कि नासिका के एक छिद्र को बंद करके बाईं श्वास से आप श्वास को भरेंगे, फिर दोनों नासिका को बंद करके श्वास को रोकेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को निकालेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, फिर दोनों नासिका बंद करके फिर बाएं से निकालेंगे। ये है क्रम। जो इस क्रम को जान लेता है उसके शरीर के सातों चक्र, जैसे मूलाधार चक्र जो आपके गुदा मार्ग के पास है, स्वाधिष्ठान चक्र जो आपके लिंग मूल में है, मणिपूरक चक्र जो आपके नाभि के नीचे है, अनाहत चक्र जो आपके हृदय पर है, विशुद्धि चक्र जो आपके कंठ पर है, आज्ञा चक्र जो आपके भ्रकुटी पर है, और सहस्रार जो आपके सर के ऊपर है, ये सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। कुछ दिनों के अंदर ये सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के सातों चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसके जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता है। बस योग और प्राणायाम करने की जरूरत है। जय माँ विंध्यवासिनी। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले पंडित जी, ये दर्शकों की डिमांड है, एक बार फिर से वो जानना चाहते हैं आपसे, जो दर्शक नहीं सुन पाए ठीक से, कि वैज्ञानिक पहलू आप समझा रहे हैं सूर्य को अर्घ देने का, तो एक बार फिर से सूर्य को अर्घ देने की जो जो नियम है कैसे दिया जाए, और दूसरा कौन सा मंत्र उस समय उच्चारण उसका किया जाए। देखो, सूर्य को अर्घ देने का मतलब है कि यदि सूर्योदय से एक घंटे के अंदर या सूर्योदय के समय आप अर्घ दे रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और उसमें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार रोली, चंदन, साबुत चावल, दुर्वांकुर और फूल डाल सकते हैं। अगर आपके पास वस्तु का अभाव है तो आप केवल जल भी डाल सकते हैं। और सूर्य को 3 बार में जल दिया जाता है। ईशान कोण पूर्व की दिशा में मुंह करके दोनों हाथ से लोटे को अपने मस्तक के ठीक सीधे भाग में रख करके सूर्य को देखते हुए 1 बार जल गिरा करके फिर लोटे को सीधा कर लें, फिर दूसरी बार सूर्य को देख करके फिर लोटे का जल गिराएं, फिर लोटा सीधा कर लें, तीसरी बार संपूर्ण जल को गिरा दें। और इस समय मंत्र क्या पढ़ना है? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। लेकिन अगर आपको अर्घ देने में देर हो रही है, सूर्योदय के 2.5 घंटी के बाद, 1 घंटे के बाद अगर आप अर्घ दे रहे हैं, 8 बजे दे रहे हैं, 9 बजे दे रहे हैं, 10 बजे दे रहे हैं, तब आपको 4 बार अर्घ देना होगा। 1 बार प्रायश्चित अर्घ और 3 बार अर्घ। प्रायश्चित अर्घ केवल बिना मंत्र बोले केवल थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, वो प्रायश्चित अर्घ हो गया। अब 3 बार जो है मंत्रों के साथ जल गिराएंगे, ये 3 अर्घ होंगे। एक आपने प्रायश्चित अर्घ दे दिया, अब प्रायश्चित अर्घ देने के बाद आपका ये अर्घ भगवान सूर्यदेव स्वीकार करेंगे। ये है विधा। और देखिए, जब हम लोटे का जल गिरता है तो उस पानी में से छन करके सूर्य की जो किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वो हमारे सारे शरीर के रोगाणुओं को भस्म कर देती हैं, और हमारे शरीर का जितना तम अंधकार है, जितना तामसिक भाव है, वो सारा का सारा तामसिक भाव अपने आप नष्ट प्राय हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को सबसे सर्वोपरि माना गया है, और पंचदेवों में सूर्य देव का भी नाम है। अगर गणेश और गौरी की पूजा सबसे पहले होती है, कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में अगर चंडी और विनायक की पूजा आवश्यक है तो भगवान विष्णु और शिव की भी पूजा आवश्यक है, तो उसके साथ अगर किसी की पूजा आवश्यक है तो वो भगवान सूर्य देव ही हैं, उनकी पूजा आवश्यक है। तो इसलिए हमारे सभी दर्शकों को चाहिए कि देखिए, हम उन लोगों के लिए तो नहीं बाध्य करेंगे जो लड़के रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं
और वो कैसे उठ करके सुबह अर्घ देंगे, उनको तो हम मजबूर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक साधना में है, उनकी एक साधना चल रही है, सरस्वती की साधना। तो एक साधना में दूसरी साधना के लिए खलल नहीं। हाँ, 3 बजे 4 बजे भोर तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो सुबह उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ देगा, लेकिन जब उठे जब नहाए तभी उसे प्रायश्चित अर्घ के साथ सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम करने की ज़रूरत है। स्मरण शक्ति अच्छी रहे इसके लिए भी प्राणायाम की ज़रूरत है, और प्राणायाम का जो मंत्र है ये आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक है गीता प्रेस की, उसमें बहुत विधिवत आपको मिल जाएगा। और उसके बाद प्राणायाम करने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपके तेजोमय प्रकाश से ये दुनिया प्रकाशित हो जाए, तब आपको गायत्री की भी साधना करनी पड़ेगी, और गायत्री की साधना के लिए गायत्री के मंत्रों का आपको जप करना पड़ेगा, और गायत्री मंत्र जप के पहले आपको 16 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी, और गायत्री मंत्र के बाद 8 मुद्राएं दिखानी पड़ेंगी। मुद्रा का मतलब है कि हाथों की बनावट से मुद्रा दिखाई जाती है, ठीक है। तो ये मुद्रा आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश जो गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें सचित्र आपको मिल जाएगा, और उसको देखकर आप समझ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको धार्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक महत्व समझा रहे हैं। आगे इसी से जुड़ी और भी जानकारी आपको पंडित जी देंगे।